है कि 89,600 आपने पे किया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि यू हैव टू फाइंड ओनली द हायर परचेज। द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट या यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द हायर परचेज एंड द कैश प्राइस। सो द डिफरेंस विल बी, डिफरेंस इसका जो होगा बेटा, आप डिफरेंस हायर परचेज पहले लिखेंगे कि हायर परचेज ज़्यादा होगी, उसमें से आप कैश प्राइस माइनस कर। हाँ जी, हायर परचेज हमारे पास है जी 89,600, उसमें से कैश में अगर वो चीज़ लेता तो दैट वाज 80,000। तो हाँ जी, आप इसका डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। इसका जो डिफरेंस आ रहा है 9,600 जो है उसका डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आप गौर कीजिएगा, मैंने थोड़ी सी ये सारी डिटेल से बात की है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ रहते हैं बढ़ती, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा जो बेसिकली आपका इंटरेस्ट होगा। इसका डिफरेंस वही वैल्यू होगी जो आपका क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक बंदा कैश में दे देता हो तो उस पर इंटरेस्ट ना लगता। बट मेन चीज ये है, इसका जो डिफरेंस होगा कैश का और हायर परचेज का, दैट विल बी द इक्वल टू द इंटरेस्ट। ठीक हो गया, इंटरेस्ट की निकल जाए। लेकिन सवाल अभी तक यहाँ तो उसने ये निकाला, एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस अपने निकालना है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंस परसेंटेज, डिफरेंस परसेंटेज। अब डिफरेंस क्या है बेटा, आपके पास 9600 डिवाइडेड बाई कैश प्राइस जो था दैट वॉज 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है जी, अब आप इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, दो जो इससे कैंसिल हो रही है, दो इससे कैंसिल हो रही है, तो 112 ये बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है जी, 12% जो है दैट इज द आंसर ऑफ टोटल डिफरेंस परसेंटेज ऑफ द इन द हायर परचेज एज वेल एज इन द कैश प्राइस। ठीक है बेटा, ओके प्लीज, इसका जो सी पार्ट है प्लीज, इसी क्वेश्चन का जो हम सी पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आपके पास बेटा कैश प्राइस जो है वो 12,000 है और बी के आर डिपॉजिट जो है बेटा आपके पास 2,000, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 15% और दैट इज फॉर द वन ईयर। अब मैं इसमें प्लीज, हमारे पास जो है एक पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ था बी पार्ट का, तो हम उसी को ही अप्लाई करते जा रहे हैं। देखिए कैश प्राइस बेटा था आपके पास, अगर कैश प्राइस है तो दैट वाज 12,000। ठीक है, लेकिन डिपॉजिट कितना हुआ है, सिर्फ 2,000 जो है वो आपका डिपॉजिट हुआ है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, 12,000 में से आपने बेटा 2,000 क्या कर देना है, माइनस कर देंगे तो 10,000 जो है वो आपका रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, बी पार्ट के मुताबिक भी आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जो बच्चा या जो बंदा इंटरेस्ट यानी पहले डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा करा लेगा उसकी रिमेनिंग अमाउंट कम होगी। तो रिमेनिंग अमाउंट जब कम होगी तो इसका मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्या लगेगा, कम। ठीक है, 2,000 जो है, ठीक है, उसमें से 10%। अब आई जी कर लू पी आर टी ओवर 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट बेटा क्या होती है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट विल बी द प्रिंसिपल। इसका मतलब है इंटरेस्ट आपका उस पर लगेगा जो आपने पैसे अभी देने, तो मतलब इस सेंस में एक बात चीज बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो डिपॉजिट बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जमा करा दे तो उसके पास कम पैसे बचेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कम होगी तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया जी, आप इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बेटा है आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई बाई द रेट इज 15% इन दिस पार्ट और मल्टीप्लाई बाई द टाइम इज फॉर वन ईयर, टाइम वन ईयर है बेटा और डिपॉजिट बाई हंड्रेड आप कहेंगे तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 1500 पी के आर जो है वो आपका इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट का मतलब क्या है कि अब हमने वैल्यू वो नहीं जमा करानी जो बाकी रहनी थी, बल्कि अब हमारे उस रहने पे जो रिमेनिंग अमाउंट थी उस पर इंटरेस्ट भी लग चुका है। तो अब हमने कितने टोटल देने हैं, अब हमने देने बेटा 10,000 जो था वो रिमेनिंग अमाउंट थी प्लस 1500 आपके पास ये भी वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास 11,500 पी के आर है वो अब आपने इसको जमा कराने होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेटा,
मंथली इंस्टॉलमेंट। अब आपने जितनी वैल्यू आपने पे करनी है उसको आपने मंथ्स में डिवाइड करना है, ठीक हो गया, दैट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमारे वी हैव टू पे 11,500 और उसमें डिवाइड किससे करेंगे, देखिए टाइम का 1 ईयर, अब 1 ईयर में 12 मंथ होंगे, तो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 9,958.30 ठीक है। अगर हम पैसे जमा कराने जाए तो हम कहते हैं पर मंथ इतना करें, तो अगर हम 3-0 कर देते हैं तो बहुत देते वो पैसे पूरे भी ना हो, ठीक है ना, वो भी अगर हो जाएगा लेकिन नाम में हम टू डेसिमल प्लेस। अच्छा अब आप हैं नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ हायर परचेज। अब यानी टोटल कॉस्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्राइस भी लिख सकते हैं कि टोटल आपके पास हायर परचेज कितनी बन रही है। अब हायर परचेज में रिपीट मैंने किया था कि वो अमाउंट भी लिख दी है बेटा आपने जो कि हमने डिपॉजिट कराई थी, दैट वॉज 2000, और वो अमाउंट जो रिमेनिंग है वो भी हमने लिखनी है, दैट वॉज 10,000, और वो अमाउंट जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा है दैट वॉज 1500, और सारी आपने वैल्यू लगानी है। इसको आप एक और अंदाज से भी समझ सकते हैं, प्लीज़ इसको आप एक और अंदाज से भी समझ सकते हैं कि वो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराई थी प्लस टोटल पे वाली अमाउंट ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें बेटा और इसको ऐड कर दें, वो भी बात सेंस वहीं आ जाएगा। ये मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लगा, तो इसको जब ऐड करेंगे बेटा कितना आ रहा है, जबकि 13,500 दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ हायर, ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास डिफरेंस आपने निकालना है हायर परचेज, आपके पास आ रही है जी 13,500, मैंने कैश प्राइस ही आपके पास जाएगा आपके पास 12,000, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल बनेगा जी जो आपके पास है 1500 जो है आपके पास, ये बेटा क्या आएगा डिफरेंस आएगा। लास्ट जैसे मैंने पार्ट में बता रहा था कि जो डिफरेंस होता है वो असल में यही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम कैश ही दे देंगे तो हमारे ऊपर ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मेन कॉन्सेप्ट ये वो डिफरेंस नहीं होता है। यानी अगर किसी सवाल में आप डिफरेंस ये सारा प्रोसेस ही कर रहे हैं, एग्जाम्पल में से प्रोसेस कर लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे तो हायर परचेज में और कैश प्राइस में डिफरेंस कितना होता है, यही होता है इंटरेस्ट वाला डिफरेंस, क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या है डिफरेंस परसेंटेज, तो डिफरेंस परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो जैसे लास्ट टाइम मैंने लिखा फॉर्मूला मैंने लिखा था डिफरेंस के लिए बेटा डिवाइडेड बाय डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैश प्राइस, तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा मल्टीप्लाई बाय 100%। जैसे हम कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज करते हैं लॉस परसेंटेज करते हैं वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंटेज अगर जब निकाल रहे होते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%, उसी कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यूज चेंज होगी, सिर्फ नाम चेंज होगा। हाँ जी डिफरेंस बेटा आपके पास है 1500, कैश प्राइस हमारे पास ही 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100%, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% जो है इसका जो ओवरऑल डिफरेंस है वो आ रहा है, ठीक है जी। तो नॉर्मली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसलिए वो कहते हैं कि जो सियाने लोग होते हैं कोशिश ये करते हैं कि कैश में ही लें, अगर एक चीज़ ऐसी है जो आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है, बाद में आपने देखा होगा कि ज़रूरत नहीं हो रही होती लेकिन मतलब ले लेता है, अगर आपको एक ऐसी है एमरजेंसी नहीं है ज़रूरत नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको इस दवानी एक दो महीने के बाद ले लें, ताकि आप कैश अगर आपके पास बुरा आ जाएगा तो आपको ये प्रोसेस सारा नहीं करना पड़ेगा, हर मंथ भी आपको टेंशन नहीं होगी। देखिए इसमें दो चीज़ें आए हैं, लास्ट में हमने डिस्कस किया था, इसमें एक है कि आपको इजाफी वैल्यू देनी पड़ती है और दूसरी बात है कि आपको हर मंथ पे करना पड़ता है, यानी ये भी एक टेंशन है कि आपको उसमें हर मंथ उसका पे करना होगा, क्लियर है मैडम, ठीक है। तो कोशिश करते हैं आप कैश प्राइस पर अप्लाई करें और हायर परचेज की तरफ आप जाएंगे। थैंक यू।